अभी 7 मार्च को क्या है सामाजिक विज्ञान का पेपर और आपका भी सपना है क्या करें सामाजिक विज्ञान में आपको 70 में 70 नंबर मिले तो इस वीडियो को बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना चुके। इस मैं सामाजिक विज्ञान के मानचित्र संबंधित 20 सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको कराने वाला हूँ। यहाँ प्रश्नों का उत्तर ही नहीं बताऊंगा आपको, ऐसा आपके पेपर में मानचित्र मिलेगा बिल्कुल वैसा ही क्या है मेरे पास मानचित्र। और इन 20 प्रश्नों को क्या करूंगा मानचित्र में आपको भर के दिखाऊंगा कि कैसे आपको भरना है। संबंधित प्रश्न नहीं आते आपको भी नहीं पता है बोर्ड पर कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 20 प्रश्न आप लोग तैयार कर लेते हैं, आप लोग सब प्रश्नों को मानचित्र में देख लेते हैं कि कौन कहाँ पे है इस तरह क्या होगा। तो यहाँ पे भाई बोर्ड परीक्षा में 10 प्रश्न मिलेगा तो 20 प्रश्न तैयार करके जाइए बोर्ड आपको 70 में 70 नंबर मिलेगा। यानी मानचित्र काल का एक भी नंबर आपको नहीं कटने वाला। तो यूट्यूब पे ढूंढ लीजिए ऐसा वीडियो कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि जिसमें 20 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया गया हो और उसे मानचित्र में दिखाया गया और आपको बताया गया हो कि मानचित्र भरने का तरीका क्या होता है। तो भाई एक एक प्रश्न आपको मानचित्र में भर के दिखाऊंगा, सही तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास 20 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनका उत्तर आपको बता देते हैं, क्योंकि अगर आपको उत्तर पता होगा तभी आप लोग मानचित्र में दिखा पाएंगे। उसके बाद से हमारे पास जो मानचित्र है जैसा आपको बोर्ड पेपर में आएगा उसको कि कैसे भरना है, कैसे आपको दिखाना है, कैसे लिखना है, सारी चीजें बताने वाला हूं। तो यहां पर से पहला जो आपको प्रश्न तैयार करना है कि वह स्थान जहां 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। आप सभी को बता दूं कि 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे आपको लिख देना है कलकत्ता। आपको याद रखना है कलकत्ता, आपको याद रखना है कि बोर्ड परीक्षा में आपको क्या करना है कॉपी में भी क्या करना है प्रश्नों का उत्तर देना है। क्योंकि प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा और मानचित्र में दिखाएंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा। यानी एक प्रश्न क्या होता है एक नंबर का होता है। करना क्या है कि मानचित्र संबंधित जो प्रश्न आएंगे ना उनका उत्तर क्या करना है आपको कॉपी में भी लिखना है। याद रखिएगा सिर्फ मानचित्र में दिखा देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलेगा। ये पहले उत्तर देख लीजिए आप कैसे लिखेंगे, देन उसके बाद से मानचित्र में आपको दिखाने वाला। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए आपको तैयार करना है कि वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो आपको याद रखना है कि 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था मद्रास में हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, मद्रास हो जाएगा। अभी मानचित्र में दिखाऊंगा कि मद्रास कहां पे है, कलकत्ता कहां पे है, दिखाना कैसे है। तीसरा प्रश्न देखिएगा आपको तैयार करना है कि वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1920 में कलकत्ता में हुआ था, 1927 में मद्रास में हुआ था और 1929 में आपका क्या हुआ था लाहौर में हुआ था। याद रखना है लाहौर इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि बोर्ड परीक्षा में इन तीनों में से कोई ना कोई एक पूछा जाएगा तो इन तीनों को आप लोग तैयार करिएगा। चौथा प्रश्न देखिएगा जो आपको तैयार करना, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछ रहा है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पे हुआ था। तो आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था अमृतसर में हुआ था। तो हमारा करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा अमृतसर हो जाएगा। आपको याद रखना है बोर्ड मार्च में क्या करना है 10 में 10 नंबर पाना है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और जो मैं 20 प्रश्न तैयार कर रहा हूं इनको तैयार कर लीजिए भाई, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। यहां पे देखिएगा आपको 5 नंबर का प्रश्न तैयार करना है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। तो आपको याद रखना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेड़ा हो जाएगा। आपको याद रखना है, अभी मैं मानचित्र में दिखाऊंगा सारी चीजें, आपको बताऊंगा कि मानचित्र में कैसे भरना है, क्या क्या गलती आपको नहीं करना है। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। नंबर का जो प्रश्न आपको तैयार करना है यहां पे देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वह स्थान जहां 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो 6 नंबर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा डांडी हो जाएगा। आपको याद रखना ये करेक्ट आंसर क्या है डांडी है। अगर किसी भी प्रश्न में डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। 7 नंबर का देखिए यहां पे प्रश्न जो आपको तैयार करना है कि वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा डांडी हो जाएगा। अभी मैं मानचित्र में आपको दिखाऊंगा कैसे दिखाना है, बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा, उसी तरीके से दिखाएंगे तभी जाके आपको 10 में 10 नंबर मिलेगा। यहां पे 8 नंबर का प्रश्न देखिए स्टूडेंट आपको तैयार करना है कि वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। तो याद रखना है कि उस स्थान का नाम हमारा क्या है चंपारण है। यहां पे हम लिख देते हैं चंपारण लिख देते हैं, बिहार में है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी किताब में जो सबसे इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न उन्हीं प्रश्नों को मैं बता रहा हूं, इसी में से 10 प्रश्न क्या होंगे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं उत्तर लिखना सिखा देता हूं। परीक्षा की कॉपी में लिखेंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा और मानचित्र में दिखाएंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा। चलिए आपको 9 नंबर का प्रश्न दिखाते हैं क्या तैयार करना है। आपको 9 नंबर का जो प्रश्न तैयार करना है कि वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, उस स्थान का आपको नाम बताना है। अभी मैं मानचित्र में भी आपको दिखाऊंगा। आंसर हो जाएगा चौरी चौरा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
चौरी और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग चौरा। ये गोरखपुर में अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मानचित्र में कैसे दिखाना है। 10 नंबर का जो प्रश्न आपको तैयार करना है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न दिया गया कि वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था, तो आपको याद रखना है कि ये गोरखपुर में है, मतलब ये जो कांड हुआ था गोरखपुर में हो, गोरखपुर में हुआ था, तो आपको याद रखना है करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको मैंने 10 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिया, मानचित्र संबंधित इतिहास के प्रश्न है। आपको याद रखना है ये प्रश्न क्या है, इतिहास के प्रश्न है। और यहाँ पे इसके बाद से आपको मैं बता देता हूँ 10 सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहा हूँ भूगोल का। इनको बिल्कुल भी आप 100% तैयार करके जाना है, चूंकि यही सब प्रश्न क्या होंगे बोर्ड परीक्षा में पूछेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं इसका उत्तर क्या होगा, देन एक एक करके आपको मानचित्र में दिखाएंगे कि कौन कहाँ पे है। चूंकि बोर्ड परीक्षा में जैसा मानचित्र मिलेगा वैसा ही मानचित्र दिया गया है। जो पहला प्रश्न आपको तैयार करना है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, यहाँ पे आप देखना इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी। ये जो बांध है ना नागा अर्जुन, वो कहाँ पे स्थित है, कृष्णा नदी पे है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कॉपी में लिख देना है, कृष्णा नदी लिख देना है। दूसरा प्रश्न आपको तैयार करना है कि बॉक्साइट उत्पादक एक क्षेत्र का नाम लिखिए, तो आपको याद रखना है कि उड़ीसा में क्या होता है, बॉक्साइट का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर नंबर उड़ीसा हो जाएगा, आपको याद रखना है। 3 नंबर का जो प्रश्न आपको तैयार करना है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि चाय उत्पादक 2 राज्यों का आपको नाम बताना है, असम और पश्चिम बंगाल में क्या होता है, चाय का उत्पादन होता है। तो पहला तो हम लिख लेते हैं असम और दूसरा हम लोग लिख देते हैं पश्चिम बंगाल। यहाँ बंगाल यहाँ पे क्या करते हैं लिख देते हैं। यहाँ पे अभी भूगोल के प्रश्न होंगे मानचित्र संबंधित, ये क्या होता है इसमें चिन्ह देता है, जैसे कहीं त्रिभुज का चिन्ह देगा, कहीं आपको गोला देगा, कहीं ऐसे देगा, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना, यहाँ पे आपको चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर आपको उत्तर पता होगा तो चिन्ह बना लेंगे। अभी मैं मैप में दिखाऊंगा कि आपको चिन्ह कैसे बनाना, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। बस इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है और अपने आप को आज पहचान लेना कि क्या प्रश्न आपको तैयार है कि नहीं तैयार है। 4 नंबर का जो प्रश्न आपको तैयार करना है कि राजस्थान का राजधानी, तो राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जयपुर। आपको याद रखना है, यहाँ पे सबसे पहले कॉपी में आंसर लिखना होगा, उसके बाद से मानचित्र में दिखाना है। 5 नंबर का प्रश्न आपको तैयार करना है कि दक्षिण भारत की एक नदी का नाम, तो आप याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की जो नदी है ना वो कृष्णा नदी भी हमारा दक्षिण भारत की नदी है, तो इसका आंसर लिख देते हैं कृष्णा नदी हमारा हो जाएगा। या आप चाहे तो तुंगभद्र नदी भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट आंसर है, दोनों दक्षिण भारत की नदी है। 6 नंबर का प्रश्न देखिए आपको तैयार करना है कि भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम, तो आपको याद रखना है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कम लिख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको 7 नंबर का प्रश्न बता, 7 नंबर का जो प्रश्न आपको तैयार करना है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको तैयार करना है कि महाराष्ट्र की राजधानी, तो आपको महाराष्ट्र की राजधानी क्या होता है, मुंबई है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा मुंबई हो जाएगा। सभी प्रश्नों को तैयार करेगा चूंकि यही सब प्रश्न क्या होंगे बोर्ड परीक्षा में पूछे आएंगे। यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न देखिए आपको तैयार करना है कि लौ यश की किसी एक खान का नाम, मतलब आपको बताना है कि लौ यश की किसी एक खान का नाम आपको बताना है। तो आप सभी को बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सलेम, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका सलेम हो जाएगा, आपको याद रखना है। फिर 9 नंबर का देखिए प्रश्न आपको तैयार करना है कि दक्षिण भारत के कॉफी उत्पादक किसी एक राज्य का नाम, तो हमारा कर्नाटक हो जाएगा। तो सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग जरूर तैयार करिएगा क्योंकि यही सब प्रश्न क्या होंगे आपको मानचित्र संबंधी पूछे जाएंगे। यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न आपको तैयार करना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी का एक नगर का नाम, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हमारा क्या है, लखनऊ है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने 20 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिया, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी में ये 9 नंबर पे आपको प्रश्न मिलेगा, तो आपको डाल देना है कि 9 का क, 9 का ख, ऐसे करके सभी उत्तरों को क्या करना, लिखना है। अब 5 नंबर का काम कर दिया, यानी आधा आधा नंबर का हमने काम किया है, तो यहाँ पे 5 नंबर हमको मिलेगा और मानचित्र में दिखाएंगे तो हम 5 नंबर और मिलेगा। तो चलिए हम एक एक करके क्या करते हैं, आपको मानचित्र में दिखा देते हैं कि कैसे दिखाना है। तो अच्छा, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कुछ इस प्रकार का क्या होगा, खाली मानचित्र मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी मानचित्र मिलेगा वहां पे अपना रोल नंबर जरूर लिखना है और पेपर का कोड आपको जरूर लिखना है। ये दो काम जरूर करेगा, जो भी मानचित्र आपके सामने आएगा वहां पे अपना रोल नंबर और पेपर का कोड आपको लिख लेना है, तभी जाके आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद देखिए पहला जो हमारा प्रश्न था इसका जो हमारा आंसर था कलकत्ता था, तो यहां पे हम क्या करते हैं आपको मानचित्र में दिखा देते हैं कि कलकत्ता कहां पे है। तो ये देखिए आपका पूरा मानचित्र है, इसी प्रकार का मानचित्र मिलेगा और ये आपका क्या है, कलकत्ता है। तो यहां पे आपको एक डॉट बनाना है, यहां अगर बीच में जगह है, अगर इसके अंदर आप लिखना चाहते हैं इसके अंदर भी कलकत्ता लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिएगा हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तो हमने एक सीधा लाइन खींचा है और यहाँ पे हमने कलकत्ता लिख दिया है। जिस भी नंबर का प्रश्न का आंसर लिखिएगा वहां पे, अगर एक नंबर का लिखिएगा तो एक लिख दीजिएगा, दो नंबर का लिखिएगा तो दो लिख दीजिएगा। जैसे हमारा पहले का आंसर था हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है और यहाँ पे कलकत्ता को दिखा दिया है। दूसरा देखिएगा हमारा प्रश्न था इसका जो आंसर था हमारा मद्रास था, तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं मद्रास कहाँ पे है, आपका मद्रास है। याद रखिएगा एक एक प्रश्न बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, चूंकि यही
सब प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बुंदी बनाया है और एक लाइन खींचा है और यहाँ पे हमने मद्रास लिख दिया। आप चाहें तो यहाँ पे बीच में जगह यहाँ पर भी मद्रास लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न की संख्या क्या करना है लिख देना, जिससे ये पता चल जाता है कि किस प्रश्न का आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए तीसरा जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, इसका जो हमारा आंसर क्या है, लाहौर है। तो आप सभी जानते हैं कि लाहौर पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा मैप में देख सकते हैं ये पाकिस्तान है और यहाँ पे हमने क्या किया एक डॉट बना और लाहौर हमने क्या किया लिख दिया। यहाँ पे तीन नंबर का उत्तर है तो मैंने तीन नंबर लिख दिया। इसी प्रकार आपको दिखाना है, लेकिन एक चीज ध्यान देना है, इसमें कहीं काट पीट आपको नहीं करना है, बिल्कुल साफ साफ लिखना है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि यही सब प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। आप देख लीजिए लाहौर कहाँ है, अमृतसर कहाँ है, गोरखपुर कहाँ है, सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे देखिएगा चौथा जो प्रश्न है, इसका जो हमारा आंसर क्या है, अमृतसर है। तो यहाँ पे देखिए अमृतसर आपका यहाँ पे है, देख लीजिए ध्यान से, बिल्कुल अपने दिमाग में बैठाइए। यहाँ पे क्या करना है आपको, ऐसे डॉट बनाना है। आप चाहे तो अंदर भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो तीर बना के साफ साफ क्या कर सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। यहाँ पे चार नंबर का आंसर है तो हमने चार नंबर डाल के अमृतसर को दिखा दिया है। रखना की इतिहास के जो प्रश्न आएंगे उन्हें बुंदी के द्वारा दिखाना है और जो भूगोल के प्रश्न आएंगे उसको चिन्हों के द्वारा दिखाना है। तभी मैं बताऊंगा कि चिन्हों के द्वारा कैसे दिखाना है। पांच नंबर का देखिए प्रश्न जो हमारा है, उसका आंसर हमारा क्या है, खेड़ा है। तो आपको मैं दिखा देता हूं कि खेड़ा कहां पे है, तो खेड़ा आपका यहां पे है। तो ऐसे क्या करना आपको, बुंदी बनाना है, अगर जगह है तो बीच में लिखिए, नई जगह तो आप तीर के द्वारा भी दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे खेड़ा आप लोग देख लीजिए ध्यान से, बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है। यहाँ पे चलिए छह नंबर का प्रश्न आपको दिखाते हैं। छह नंबर का और सात नंबर दोनों का आंसर हमारा क्या है, डांडी है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, डांडी आपका यहाँ पे है, ये सब गुजरात में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना आपको, ऐसे बुंदी बनाना है, एक लाइन खींचना है और डांडी और छह और सात दोनों का आंसर हमारा है। तो यहाँ पे दोनों को आपको लिख देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको आठ नंबर का प्रश्न दिखा देते हैं। आठ नंबर का प्रश्न देखिए, इसका आंसर हमारा क्या है, चंपारण है। तो आपको याद रखना है चंपारण बिहार में है, तो ये आपका बिहार है। तो बिहार में क्या करना है, एक ऐसे डॉट बनाना है और इस तरीके से लाइन खींच के आपको चंपारण लिख देना। आठ नंबर का प्रश्न है तो आठ नंबर लिखिएगा। बोर्ड परीक्षा में इतिहास के पांच प्रश्न आएंगे और भूगोल के पांच प्रश्न आएंगे, यानी दस ही प्रश्न आएंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने दस प्रश्न इतिहास के लिए और दस प्रश्न भूगोल के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे आठ नंबर लिखा है। नौ नंबर का प्रश्न आपको दिखाते हैं क्या दिया है और उसका आंसर क्या होगा। का जो प्रश्न है, इसका आंसर हमारा चौरी चौरा है। तो चौरी चौरा क्या है, गुजरात है और गोरखपुर कहां पे, उत्तर प्रदेश में। तो ये पूरा उत्तर प्रदेश है। तो यहां पे देखिए हमने क्या किया, डॉट बनाया है और गोरखपुर में ही क्या है, चौरी चौरा। तो हमने नौ नंबर डाला है और इसका आंसर हमने लिख दिया है। और यहाँ पे देखिए हमने डॉट बनाया है और ऐसे लाइन खींच के चौरी चौरा लिख दिया, यहाँ पे नौ नंबर। और गोरखपुर भी क्या है, यही है, मतलबपुर में है। तो दस नंबर प्रश्न का जो हमारा आंसर आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे गोरखपुर है। ये डॉट में क्या किया है, चौरी चौरा को भी लिख दिया है और इसी डॉट पे हमने क्या किया है, गोरखपुर को लिख दिया। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर बदल दिया। देखिए नौ नंबर का आंसर है तो नौ नंबर डाला है और दस नंबर का आंसर है तो दस नंबर डाला। यानी प्रश्नों का नंबर आपको डालना बेहद ही जरूरी है, आपको साफ साफ लिखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए भूगोल प्रश्न आपको दिखा देते हैं। इसमें पहला जो हमारा आंसर होगा कृष्णा नदी। तो आपको दिखा देते हैं भाई कृष्णा नदी कहां होगा। यहां पर भी वही काम करना है, अपना अनुक्रमांक और पेपर का कोड जरूर लिखना है। तो यहां पे देखिए कृष्णा नदी आपका क्या है, नीचे है, ये आपका कृष्णा नदी है। तो ऐसे आपको कर लेना है और कृष्णा नदी लिख के आपको एक नंबर डाल देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा प्रश्न का जो हमारा आंसर है, उड़ीसा है। तो आपको दिखा देते हैं उड़ीसा कहां पे है। तो ये देखिए उड़ीसा है। रखना है कि जैसे मैंने यहां पे डॉट के द्वारा दिखाया है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में आपको चिन्ह देगा। जैसे आप उड़ीसा को क्या करिए, त्रिभुज के चिन्ह के द्वारा दिखाइए, चाहे गोले के द्वारा दिखाइए, तो आपको बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। जैसे उड़ीसा को बोलेगा अगर त्रिभुज के द्वारा दिखाइए, तो ऐसे आप लोग डॉट बना लीजिएगा और यहाँ पे एक ऐसे त्रिभुज आपको बना देना है, कुछ नहीं करना है। जैसा सिंबल बोलेगा वैसा सिंबल बना के आपको क्या करना है, उसका नाम लिख देना है। बस आपको ये आना चाहिए कि कौन कहां पे है, बाकी चीज आप लोग कर लेंगे। चलिए तीसरा वाला प्रश्न हमको क्या दिया गया, तीसरा वाला का आंसर हमारा क्या है, असम है और पश्चिम बंगाल है। तो आपको हम असम दिखा देते हैं कहां पे है। तो असम आपका यहां पे, आपको याद रखना ऐसे डॉट बनाना है या चिन्ह देगा तो आप लोग चिन्ह बना के आप लोग ऐसे लाइन खींच के असम लिख देना है। और तीन भी नंबर का प्रश्न होगा, आपको नंबर लिख देना है। चार नंबर का जो हमारा आंसर क्या है, यहाँ पे जयपुर है। तो यहाँ पे देखिए राजस्थान में जयपुर है, तो ये आपका राजस्थान है। यहाँ पे बुंदी बनाना और यहाँ पे चार नंबर डाल के जयपुर लिख देना है, क्योंकि जिस भी नंबर का प्रश्न होगा उसको आपको दिखा देना है। अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कौन कहाँ पे है, क्योंकि इसी प्रश्नों में से कोई ना कोई दस प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पांच नंबर प्रश्न का आंसर हमारा क्या है, कृष्णा नदी है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑलरेडी हमने क्या किया है, पहले वाले का आंसर हमने कृष्णा नदी लिखा है, तो यहीं पे हमने क्या किया है, पांच
5 नंबर भी डाल दिया, मतलब पहले का भी आंसर हो जाएगा और ये हमारा पांचवे का आंसर हो जाएगा। आप चाहे तुंगभद्र नदी को भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि तुंगभद्र नदी भी क्या है, दक्षिण भारत की नदी है। यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद 6 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर हमारा क्या है, कलपकम है। तो आपको दिखा देते हैं कि कलपकम कहाँ पे है, तो आपको कलपकम में ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे आपको डॉट बनाना या चिन्ह देगा तो चिन्ह बनाना और यहाँ पे लाइन खींच के आपको दिखा देना है, अंदर जगह है तो अंदर भी लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 7 नंबर का जो प्रश्न है हमसे पूछा गया कि महाराष्ट्र की राजधानी का आपको नाम लिखना है, तो मुंबई है, तो आपको दिखा देते हैं मुंबई कहाँ पे, तो आप देख लीजिए मुंबई आपका यहाँ पे है, तो ऐसे आपको बुंदी बनाना, अगर चिन्ह देगा तो चिन्ह बनाना है, और जिस भी नंबर का प्रश्न होगा नंबर लिखना और मुंबई आपको लिख देना है, बस ऐसे आपको काम कर लेना है। देन इसके बाद 8 नंबर का प्रश्न देखिएगा, आपको क्या दिया गया है, सलेम को दिखाना है, तो सलेम आपको दिखा देते हैं मैप में कहाँ है, तो सलेम आपका यहाँ पे है, आपको याद रखना है, ऐसे बुंदी करके क्या करना है, सलेम को आपको दिखा देना है, 8 नंबर लिख देना है, अगर चिन्ह देगा तो आपको चिन्ह, चूंकि 100% जो भूगोल के प्रश्न आएंगे ना उसमें चिन्ह दिया जाएगा, तो चिन्हों के द्वारा आपको दिखा देना है, कुछ नहीं करना है, जहां पे मैंने बुंदी बनाया आप लोग चिन्ह को बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बाकी जैसे लिखा हूं वैसे लिखना है। यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न देखिएगा, आपको दिया गया इसका उत्तर क्या है, कर्नाटक है, तो आपको मैं कर्नाटक भी दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए 9 नंबर मैंने डाला है और यहाँ पे कर्नाटक है, तो यहाँ पे ऐसे सिंपली क्या करना है, कर्नाटक को दिखा लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 और हमारा क्या है, लखनऊ है, तो यहाँ पे आपके सामने मैप दिखाई दे रहा होगा, मैंने 10 प्रश्न का आंसर आपको नहीं दिखाया कि मानचित्र में कहाँ पे है, तो आपको क्या करना है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि लखनऊ कहाँ पे स्थित है, चूंकि आप सभी बोर्ड के छात्र हैं, तो लखनऊ सेक्शन में बताइएगा कि जो लखनऊ है हमारा कहाँ पे होगा, मतलब कहाँ पे स्थित होगा, कहाँ पे हम इसे दिखाएंगे, चूंकि ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पता है कि आपको मानचित्र संबंधी कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, मानचित्र संबंधी प्रश्नों को कर सकते हैं, कैसे दिखाना है सारी चीजें मैंने बताया है। आप लोग अनुक्रमांक और पेपर का कोड जरूर लिख लीजिएगा, बाकी कैसे दिखाना हो सारी चीजें मैंने बता दिया। यहाँ पे मैंने 20 से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न करा लिया, बस इन 20 प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा, इसी में से कोई ना कोई 10 प्रश्न आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। और जहां तक मुझे पता है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चूंकि यहाँ पे 11th का भी क्लास चलाया जाएगा, आप तो जो भी 11th की तैयारी करना चाहते हो भाई चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिएगा। जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगा होगा या हमसे कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।